से कि आज के इस मुबारक मौके पर हौसला अफजाई से वो शब्द जिससे डॉक्टर साहब की हौसला और अफजाई हो सके, आप इनको आशीर्वाद देने की कृपा करें। आइए सर, हमारे डॉक्टर कमलना साहब जो कि न सिर्फ एक डॉक्टर हैं बल्कि अगर ये कहा जाए कि हमारे उस शहर और खासकर हमारे पुराने लखनऊ के लिए एक बड़े मसीहा बन करके उभरे हैं, उसमें कोई मुबालवा आरई नहीं हुई। इतने हजारों लाखों डॉक्टर हैं हमारे इस पूरी की, ये भी अजीब और करीब एक आपका यह बात है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर डॉक्टर्स तालीम हासिल करते हैं हमारे मुल्क में, लेकिन बड़ी तादाद में वो डॉक्टर हैं जो सिर्फ रुपया पैसा कमाने के खातिर मुल्क के बाहर जा कर के बसते हैं और वहाँ पर अपने प्रोफेशन के जरिए से रुपया पैसा लाखों करोड़ों की तादाद में कमाते हैं। लेकिन बड़ी तादाद उन डॉक्टर्स की भी है जो कि अपने मुल्क में रह करके यहीं देखे यहीं की खिदमत करने को पसंद करते हैं। उनमें से सर पहले डॉक्टर मन्ना साहब हैं और उसमें भी एक डॉक्टर कि आपको बहुत ही कम ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो कि सोशल फील्ड में सोशल काम में बढ़ करके हिस्सा ले रहे हों। जितनी आसानी से आप यहाँ पेशेंट्स को मिल जाते हैं और जितने कम पैसे में उनका इलाज हो रहा है, ये अपने आप में हम समझते हैं कि मेडिकल लाइन में अपने आप में एक अनोखी बात है। और आज 26 जनवरी के मुबारक मौके पर जिस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट और 5 लाख की दवाओं का फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन पे इंतजाम किया है, इसके लिए हम लोग दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और अल्लाह से भगवान से ईश्वर से गॉड से ये दुआ करते हैं कि इनको इस काम में और बरकतता फरमाए और हम सबको इनका पूरी तरीके से साथ देने की तौफीक अदा फरमाए। पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर मुमकिना साहब से इस मौके पर अपने तासुरात के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब और तमाम लोगों का। मैं 26 जनवरी के इस्तकबाल करता हूँ। मैं बस 2 लाइन कहना चाहूँगा, यह जो ईदगाह से मौलाना साहब को मैं साधुवाद देना चाहूँगा कि यह जो ईदगाह से संदेश जा रहा है, मैं आपको बहुत रहस्य रहता है लोगों में कि क्या यहाँ मदरसे में क्या हो रहा है, कार्यक्रम क्या हो रहा है। यहाँ मेरे देखने के लिए है, दुनिया के देखने के लिए है कि देशभक्ति के गाने गाए जा रहे हैं और ये बच्चे शायद हम लोगों के बच्चों को इतना देशभक्ति का गाना उतना याद ना हो, लेकिन ये बच्चे पूरा गाना गा रहे हैं। ये जो प्रेसिडेंट यहाँ सेट हो रहा है, यहाँ वास्तव में पूरे देश के लिए एक बार में और हमेशा के लिए इस तक को गौर कर देना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा होगा। क्योंकि सरकार कहती है आप कैमरे लगाइए, ये करिए वो करिए, यहाँ किसी कैमरे की जरूरत नहीं। जब इंसान के ही आने से तो रोक नहीं है तो कौन से कैमरे की जरूरत है। तो इस लिहाज से मैं कहना चाहूँगा और इन बच्चों के बेहतर भविष्य की कामना करना चाहूँगा जो बच्चे यहाँ आए हैं। और अंत में हम लोग जान रहे हैं लखनऊ सबसे पॉल्यूटेड सिटी में से है, तो यह जो पहल मौलाना साहब ने करी है यह सारे मंदिर के महंतों को करनी चाहिए, सारे कीर्तन गुरुद्वारों को करनी चाहिए, सारे गिरजाघरों को करनी चाहिए और इसकी शुरुआत मौलाना साहब से हुई है। ये हम सब के लिए बहुत सख्त की बात है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब एक ऐसी शख्सियत है जो पुराने लखनऊ के लिए गर्व करने का विषय है। इंसान की सबसे कीमती चीज होती है उसकी सेहत, और जो सेहत के लिए देखभाल करे उस फरिश्ते को मैं सलाम करता हूँ। मैं उनके जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनको मैं नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर साहब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, इसी तरीके से जन कल्याण का कार्य करते रहें। मेरी और मेरी टीम की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ हैं। देखिए हमारा शुरू से एक उद्देश्य रहा, देखिए कहना एक अलग बात होती है, अमल करना एक अलग बात होती है। हम सुबह से लेकर शाम तक के हजारों लोगों को हम रास्ता बताते हैं, लेकिन उस रास्ते को अपनाता कौन है ये महत्वपूर्ण है। तो डॉक्टर साहब ने वो रास्ता अपनाया, ये इसके लिए बधाई के पात्र है। वरना सुबह से शाम तक आप अच्छी बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन अमल कितना करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे एक बात और कहना चाहता हूँ, आप अगर अच्छे हैं बुरे हैं सबसे पहले अपने लिए हैं, बाकी समाज पे बाद में नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर साहब ने जब मुझसे कहा तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करना है, तो कदम इन्हीं ने बढ़ाया। रास्ता बताना या मंजिल बताना महत्वपूर्ण नहीं है, उस मंजिल पर चलना और आगे बढ़ना ये महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे डॉक्टर साहब उमंग खन्ना जी जो काम कर रहे हैं वो लाजवाब काम है। कुछ ही दिनों में इन्होंने वो जगह बना ली है हर अच्छे इंसान के दिल में समाज सेवा की, कि अपने काम के साथ समाज की सेवा इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे एक परिवार का जो हेड होता है वो अपने परिवार की खिदमत करता है, हमारे डॉक्टर उमंग खन्ना जी ऐसे समाज की सेवा कर रहे हैं, वो फ्री दवाओं का मामला हो या कोई भी मामला हो। और आप लोग देखते होंगे हमारे उमंग खन्ना जी डॉक्टर साहब हर जगह हर ऐसी जगह मौजूद होते हैं जहाँ पर जनता को लाभ, कोई उनका पर्सनल और कोई निजी स्वार्थ ना होते हुए वो कौम के लिए, आवाम के लिए, हर हिंदुस्तानी के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं। और हम सब लखनऊ वासी उनके आभारी हैं जो अल्लाह ताला ने भगवान ने हमको एक ऐसा नायाब तोहफा दिया है डॉक्टर उमंग खन्ना के रूप में जिसको हमको बहुत सजाते हैं। और इंशाल्लाह आपके हाथ में अल्लाह ताला ने इतनी शिफा दी है कि मैंने जितने लोगों को भेजा है तकरीबन सभी मरीज ठीक हुए हैं और उन्होंने बड़ी तारीफ की, तो जब आपकी तारीफ हुई तो मेरा कालर अपने आप ऊंचा हो गया। साहब को से ये काम बराबर की तरह है, इनको सेहत और आफियत अता फरमाए। वाखिर दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज की डेट में ऐसे व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं, मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ इनकी भावना का कि जिस तरह से ये सेवा कर रहे हैं। आज की डेट में बहुत ही व्यापारीकरण हो गया है इस सेक्टर का भी, लेकिन आज भी हमारे डॉक्टर साहब इस भावना को जागृत किए हुए हैं, 26 जनवरी के अवसर पर लोगों को ये लाभ दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद इनका करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उमंग खन्ना जी। सबसे पहले तो डॉक्टर उमंग खन्ना जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने ऐसे विचारों के तहत ये कैंप लगाया और इससे हजारों लाखों गरीबों को दवाइयां मिल रही हैं। हमारा मानना ये है कि इस देश में स्वास्थ्य और सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा ये हर एक का मूलभूत अधिकार है, और एक कहावत है कि जिसको भगवान ने कम दिया है उसका समाज का और सरकार का दायित्व है कि उसको ज्यादा दे। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ जो डॉक्टर साहब मुझे हर साल यहाँ आने का मौका देते हैं। ये काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं हर को याद से यहाँ मुझे डॉक्टर होने के साथ साथ डॉक्टर बहुत अच्छे व्यक्ति भी है, और हम लोग को समाज के हर व्यक्ति का दायित्व होता है कि जो व्यक्ति अपनी श्रेणी में मजबूत है वो अपना अधिकतर है कुछ निभाए और कल्याण करे जो समाज के लिए वो कर सकता है, चाहे वो वकील के पेशे में हो, नेता के पेशे में हो, चाहे वो डॉक्टर के पेशे में हो। डॉक्टर साहब ने जो सिखाया है समाज के लिए, मैं उसका ऋण से प्रणाम करता हूँ उन्हें। और बहुत डॉक्टर उमंग खन्ना जी हर साल में दो बार 15 अगस्त को और आज के दिन यहाँ पर मुफ्त रूप से दवाएं बांटने का काम करते हैं। मुझे इन्होंने कहा नहीं है लेकिन मुझको जानकारी है कि 15 अगस्त से लेकर तो आज तक जो कमाई बचती है उस कमाई में आज यहाँ पर ये निःशुल्क रूप से दवा बांटने का काम करते हैं, और आज से लेकर 15 अगस्त तक जो इनकी आमदनी बचेगी खर्चे के बाद उस पैसे को दवा के रूप बांटने का काम करते हैं। इनकी सराहना की जाए उतनी सराहना कम है कि यहाँ के जो गरीब असहाय मजबूर लोग हैं उन लोगों को दवा मिलती है फ्री में, और आज यहाँ पर जांचें हो रही हैं, वो जांचों का दर और मार्केट से हाफ रेट पर आधार पर है, तो मैं इसके लिए आप लोगों की ओर से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये कामना करता हूँ ईश्वर सरकार से ऐसे ही डॉक्टर उमंग खन्ना से सब लोग हो जाए। डॉक्टर साहब ने जो आज यहाँ पर प्रयास किया है फिर से उनका बहुत बहुत आभार।
त्योहार सबके लिए यहाँ मंच है, यहाँ मंच अपने असद भाई अपने साथ है, देखिए कमान संभाले रहते हैं मौलाना सादिक साहब के साथ, सबको तमाम संभाले रहते हैं और जो है सबको ये दिशा देते रहते हैं। आज यहाँ पर 5 लाख की दवा का मुफ्त वितरण है जो कि तमाम लोगों को यहाँ पे दवा दी जा रही है और बहुत ही कम दर पे जांचों का कार्यक्रम चल रहा है और यह एक संदेश है जो कि महंगी जांचें बाजार में हो रही है वो ना हो और गैर वाजिब पैसा ना लिया जाए जांचों का। कुछ तथ्यों से हम सब अवगत हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। यहाँ तक और लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को खड़ा करे हैं। मानिए सर, जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? गणतंत्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर उमंग खन्ना जी ने जो आज क्षेत्र के गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको दवा बांटने का, निःशुल्क बांटने का काम यहाँ शुरू किया है। आज यहाँ पर 5 लाख रुपए की लगभग जो गरीब, कमजोर, असहाय और बेबस लाचार लोग हैं उनको दवा बांटने का काम यहाँ पर हो रहा है। डॉक्टर उमंग खन्ना जी यहाँ पर लगातार हर वर्ष ऐसा ही प्रयास करते हैं। 15 अगस्त को और आज के दिन जो इस क्षेत्र के गरीब महिलाएं हैं, गरीब पुरुष हैं, जो पैसे के अभाव में अपने इलाज नहीं करा पाते हैं उनको निःशुल्क रूप से इलाज कराते हैं। यहाँ पर जांचें भी हो रही हैं और दवा बांटने का भी काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं दवाई बांटने का, क्या आपको कैसे सोचा आपने, क्यों कर रहे हैं? मैं ये सोचा कि हम ये देखते रहे अब तक कि जो मरीज को दवा मिल रही है उसका बहुत अच्छी कंपनी क्या होती इफेक्टिव नहीं है। तमाम जगह ऐसी दवा दी जा रही है जो शायद उतने इफेक्टिव ना हो जो उसको लाभ दे पाए। तो यहाँ पर मैंने एक ये चीज ठानी और तमाम साथी अपने आते रहते हैं, हर साल ये कार्यक्रम बढ़ता गया, लोगों को स्वास्थ्य लाभ हो इस प्रयास के साथ मैं ये काम करने लगा। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यह दवाएं उम्मीद संस्था की तरफ से हमको दी गई हैं, जो दवाएं यहाँ पे निःशुल्क वितरित हो रही हैं। मेरा कोशिश है कि जब यहाँ पे सीसी दी जाएगी, ये सीसी एक दिन खत्म हो जाएगी, पूरा जीवन नहीं चलेगी, लेकिन व्यक्ति फिर जाके आयरन की इसी स्तर की सीसी खरीदेगा। इस प्रयास के लिए, इस सोच के साथ इस काम को मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। हम बीमारी के गुलाम हैं, डॉक्टर साहब यहाँ गोपाल फ्री में दवा बांट के एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं और वो बीमारी से लड़ाई लड़ रहे हैं कि जितना जितना हम दवा बांटते रहेंगे बीमारियां दूर होती रहेंगी। जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान छोड़ दिया वैसे बीमारियां भी इंशाल्लाह हिंदुस्तान छोड़ देंगी और एक स्वर्ग भारत का सपना इंशाल्लाह देखेंगे। मुबारकबाद मुस्तक है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा बड़ा अधीन काम यहाँ पर शुरू किया है कि जो लोग जरूरतमंद है उनको दवाएं, सब लोग आ जाओ, दवा और दुआ दोनों साथ मिल रही है और जब इसको कोई इबादत वाला व्यक्ति दे तो उसका असर और ज्यादा बढ़ जाता है। दवा यहाँ खत्म नहीं होगी, दवा बढ़ती रहेगी, इसकी दवा हमारे सारी भाई और दूसरा लीवर का हरा वाला सिरप है जो लीवर के बीच में हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम देखेंगे कि आपकी खूबसूरत वाणी हमें याद है उसके लिए भैया लो आज तो तुम लोग दवा ले तुमको बाहर निकलो ना, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? बाहर निकलो ना, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? एक बहुत सराहनीय और दुर्लभ कार्य डॉक्टर उमंग खन्ना जी कर रहे हैं कि अनेक और प्रकार से भी गरीबों की सहायता करते रहते हैं, मुझे इसकी बहुत जानकारी है
और गरीबों की तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, परम सरस धर्म में भाई पर पीरा वैश्व अदमाई, दूसरों की सेवा करना उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। सब धर्मों से बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा करना, और सेवा करने का जो सुख है उसकी बिल्कुल बड़ा नहीं कहना चाहिए। मैं आपको खन्ना जी और आपके टीम को, आपके सारे सहयोगियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपके साथ है कि निरंतर आप अपना घर परिवार को चलाएं, लेकिन देश एक कभी लिखा है कि देश तुम्हें देता है सब कुछ, तुम भी तो कुछ देना सीखो। देश ने तो आपको सब कुछ दिया, समाज ने सब कुछ दिया, हम भी तो कुछ देना सीखे, और वो देने का तरीका यही समय के बच्चों को करना है। इससे सत्ता मुक्ति नहीं होगी और सबका काम हो जाएगा। माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी जो है सबके बीच पूरे क्षेत्रीय जनता की चिंता रखते हैं हमेशा, और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होने के नाते भी आप जो है वहाँ तमाम लोगों को यहाँ पर दवा वितरित कर रहे हैं। टेस्ट सिरप है या खून की कमी मैंने देखा पाई जाती है, तो मैंने यहाँ पर इसका टेस्ट सिरप का इंतजाम करा। बहुत दवा खत्म नहीं होगी, आप लोग कतई पैनिक ना हो, कतई चिंता ना करें। राजू सुहास का भाई भी अपने बीच आ गया है, माननीय विधायक जी के खाते और मौजूद है। राजू भाई बहुत ही बढ़िया व्यक्ति, हमारे जिनका इलाज बातचीत सब कुछ सती, अब आराम है ना। चाची बहुत तकलीफ में आई थी, सब होने खुल पाता था, अब ये बहुत सस्ता हो गया। ये दवा का अनवरत सिलसिला चलता रहेगा, माननीय विधायक जी की प्रेरणा से, सुरेश श्रीवास्तव जी की प्रेरणा से, जो बहुत ही अच्छे वक्ता विचारक समाज सेवी, मैं क्या कहूँ, अभी जैसा आपने बताया कि वकील होने के बाद भी नागरिक में चर्चा, और अपने बच्चों को इतना होनहार आपने बनाया होगा, वो खुद कितने होनहार होंगे ये सोचने में बहुत ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। माननीय विधायक जी का स्वागत है, राजस्व के लिए बहुत ही मेरा छोटा भाई हर संकट मोचक है, मेरा जहाँ मैं करता हूँ तो समुदाय दुकान यह दवा हीमोग्लोबिन बढ़ाने की दवा है, जो आपका खून बढ़ाएगी, और खांसी है जो सफेद पानी पी लीजिएगा, 12 साल से कम उम्र के बच्चे को ना दीजिएगा। ये माननीय सुरेश श्रीवास्तव जी विधायक जी ने सारी व्यवस्था के तहत यह सारा काम हो रहा है, आप सरकार हम लोग की मदद करते हैं, और कोई भी अर्जी कोई भी बात लेके आपके पास जाओ तो कभी खाली नहीं होती है। और इसी के साथ कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करता हूँ, माननीय विधायक जी हमारे साथ रहे, धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपको समर्पित है। दीनता को दूर कर उपकार में जो लीन है, दीनता को दूर कर उपकार में जो लीन है, पूज्य है वो क्योंकि अच्छे कर्म ही को लीन है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। दिव्य कुल में जन्म से ही, दिव्य कुल में जन्म से ही लाभ कुछ होता नहीं, क्या मनोहर फूल में लघु कीट है होता नहीं। जो पराए काम आता, जो पराए काम आता, धन्य है जग में वही, द्रव्य ही को जोड़ कर कोई सुयस पाता नहीं, द्रव्य ही को जोड़ कर कोई सुयस पाता नहीं। पास जिसके रत्न राशि, पास जिसके रत्न राशि,
अनंत और अशेष है, क्या कभी वो सुर धुनि के सम हुआ सलिलेश है। सुर धुनि माने गंगा जी और सलिलेश माने समुद्र। समुद्र के पास सारे रत्न होने के बावजूद भी वो गंगा जी की तुलना नहीं कर पाया। गंगा जी का अपना एक अलग महत्व है कि संदेश नहीं मैं यहां स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। तो डॉक्टर उमंग खन्ना आज गंगा जी की तरह समुद्र के सामने मतलब अपने आप को उससे भी मतलब उनको उज्जवल माना जा रहा है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब का यशोगान पूरे विश्व भर में किसी तरह से फैलता रहे, ये मेरी शुभकामना है और ये मेरा आशीर्वाद है उनके लिए। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये एक आशीर्वाद है जो जीवन भर हमको आपका याद रहेगा। कितनी सोच आपने लगाई होगी बात कहने में और मनोहर फूल को आपने इतने अच्छे से डिफाइन कर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लाइनों के लिए वास्तव में पूरे जीवन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके लिए हमने ये सब लिखे हैं कि जो पराए कामे आता धन्य है जग में वही। आपने जो संसार के लिए, बीमारों के लिए, कमजोरों के लिए आपने जो कार्य किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है। तो जो पराए कामे आता धन्य है जग में वही, द्रव्य ही को जोड़कर कोई सुयश पाता नहीं। पैसे वाले कोई यश नहीं प्राप्त करते हैं, उनका काम ही केवल पैसा पैदा करना, लेकिन आपने उससे हट करके अलग कार्य किया। द्रव्य ही को जोड़कर कोई सुयश पाता नहीं, पास जिसके रत्न राशि अनंत और अशेष है। जिस प्रकार से समुद्र में तमाम प्रकार के रत्न और राशियां, हीरा मोती जवाहरात, कितना अकूत धन संपत्ति उस पर भरी हुई है, लेकिन वो तुलना गंगा जी के बराबर नहीं कर सकता। जो गंगा जी के अंदर जो शक्ति है तारने की। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि आप हमेशा काम करते रहते हैं वो बहुत सराहनीय है। मैं ये समझता हूँ कि शायद ही कोई भी डॉक्टर इस तरह का काम करने में सोचता होगा या ना भी सोचता हो, क्योंकि मुफ्त में दवा बांटना ये एक बहुत बड़ा काम है और हर डॉक्टर के ये बस की बात नहीं है कि वो किसी भी मरीज को एक रुपए की दवा भी वो अपने पास से फ्री में दे दे, जो कि ये काम डॉक्टर उमंग खन्ना जी निरंतर करते चले आ रहे हैं। दवा मुफ्त बांटी गई या संस्था उम्मीद संस्था द्वारा हम लोगों को दी गई थी, उनको भी इसका क्रेडिट जाता है। और यहाँ के तमाम गरीब लोगों को ताकत की दवा डेक्सोरेन सिरप, जो कि ताकत का सिरप है, उसके बाद खांसी की दवा और तीसरा लीवर की दवा, जो तीन इस क्षेत्र की बड़ी समस्या है ना खास की, तीनों की दवा 1000 लोगों को मुफ्त निःशुल्क दी गई। इस कार्यक्रम में जांचें भी हुई, आज तक देखा गया जांचों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। आप सब जानते होंगे, आप सब कहीं ना कहीं परेशान भी रहे होंगे, मैंने महसूस करा है कि जांचें ही इलाज का बिल बढ़ा देती हैं। तो यहाँ 100 रुपए में थायराइड चेक हो रहा है, 200 रुपए में लिपिड प्रोफाइल चेक हो रहा है, 150 रुपए में किडनी प्रोफाइल, तो इस तरह जो चीज 600-800 रुपए की बाजार में वो यहाँ 100 रुपए में हो रही है, या यूँ कहें कि बर्गर के पैसे के बराबर में जांच हो रही है। तो यहाँ एक ट्रेंड यहाँ नखास से शुरू करा गया, यह हर साल होता है, हम लोग 26 जनवरी 15 अगस्त 2 ही पर्व है जिनको मनाते हैं और जितना हो सकता है अपने माध्यम से गरीबों को साथ देते हैं। उसके अलावा यह तमाम विभूतियाँ अपने भी डॉक्टर आफ्ती साहब अभी मौजूद हैं, आप प्रोफेसर आफ्ती साहब सीआरपीटी कॉलेज के, आवेद अली साहब सीआरपीटी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, पूर्व मंत्री माननीय पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा जी यहाँ पर मौजूद रहे, माननीय विधायक जी और रेड क्रॉस सोसाइटी यूपी के अध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव जी अपने साथ रहे, मौलाना फरंग मैली साहब ने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, पिता का